अरे दयानंद भाई, ई का हो अभी चल दे। अरे तो का करी, जाही के पड़ी ना, सीमा पर देखते बाड़ा पड़ोसी देश का उत्पात मचेले बा। तनी सा भी आँख झपकल ना तो सीधे आतंकवादी लोग देश के अंदर। अरे जब हमनी के जागल जाले ना सीमा पर, तब देश के लोग शांति से सूतलन। हे दयानंद भाई, यही से हमनी के गर्व के साथ पूरा जिला जवार में कहिला कि हमरो गांव धर्मपुर में एगो बाप फौजी जे अपना जवानी में पाकिस्तानी सब के मार जूता के खुटा नियर गार देले रहे। अरे खुर्शीद भाई, वो इंसान इंसान का जवन कोई के काम आए ना, और जवानी जवानी का जवन देश के नाम पर खून बहाए ना। सही बात, तू तो जानते बड़ा कि देशभक्ति का जज्बा हमरे परिवार में शुरू से बा। जवन इंसानियत और संस्कार हमरे में बा ना, वैसे ही गुण हमरे बेटा राजा उर्फ चिंटू पांडे के भगवान देले बाड़न। आप लोग तो जानते बाड़ा, देशभक्ति का जज्बा हमरे खानदान में कूट कूट कर भरल बा। हमार बाबूजी इंटर करके दारोगा बनलन, हम ग्रेजुएशन करके फौज का नौकरी कर रहल बानी, और हमार बेटा चिंटू अरे पढ़े में टॉप क्लास बा। देख लिया आप लोग, एक न एक दिन एसपी जरूर बने। एसपी? और का एसपी ना चाचा। हाँ? एसपी के लड़की के पटाक के एक दिन बिहार जरूर कलियो। ए पांडे भाई, खदेरुआ के काला मारत सही में तुहर बेटा एक नंबर के निकम्मा बा, आ एक नंबर के लफुआ बन गया। का कहत बानी? सही कहत नहीं। ए दयानंद भाई, अगर तोरा विश्वास रखे ना तो सिर्फ 2 दिन तू रुक जा, 2 दिन के बाद होली बा, आ देख लो अपन बेटा के हुड़दंग। अरे होलिया में उड़े गुलाल, पता रखी होलिया में उड़े गुलाल। अरे माई, बहुत जोर के भूख लागल बता, नहीं खाना ना दे। अरे बिटवा, हर दम कृष्ण कन्हैया बन के घूमत रहबा, कोनो काम काज करबा की ना। अरे माई बैठा, देखा जेकर बाप फौज में ओकर बेटा मौज में, अब बाबूजी फौज में काम करबे करेलन। हाँ, और आजकल जौन स्थिति चलता, एक दिन हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई होकबे करी। हाँ, और मान ले माई कि बाबूजी कम से कम 50-60 पाकिस्तानी के तो मरबे करी हन। हाँ, आओ करे बात शहीद हो जाए। अरे लेकिन माई, बाकी सरकार द्वारा जो हमने के पेट्रोल पंप मिली, ओ में सोच कि हम भरत तेल अतए के लिए पैसा। हाँ ठीक से, भाई ठीक से। जी साहब। हे भाई, पैसा दे, पैसा ही पैसा। भूत ना कपूत, सपना देखे छोड़ दे और हकीकत में आ जा। आज हम तो हर 612 हड्डी दूर के ओके 1200 जाओगे। भाई, अरे दादा, अरे दादा, हमार सब हड्डी टूट के भीतरी कबड्डी खेला था, पूरा नस धस गए रे भाई। नखरा कल बार हो अभी ले तो एक और नंटा ना पड़ल तो दुख खानदान के याद आ गए। आ कहीं सही में तो आज नंटा पड़े लगी नू तो तोर कहाँ लगियो पुरे। ए हमार लाल, हमारे उच्च कुल के नीच चिरा, देखा आज हम का करी ले तो हार हाल। खुर्शीद भाई का जवन टैक्सी बा, आज से तू चले पैसा कमाई बा, पैसा कमा के घरे ले आइबा, तब तू खाना खाइबा। अरे भौजी देखा, एगो फौजी के लेकर नौकरी करी तो लोग बुराई करी, बाकी जब ऐस में कैश उड़ाई तो बड़ बाप के बेटा कहे बाबूजी, और ये छोट का मेरा और बेइज्जती हो। कौनो बेइज्जती न होई बेटा, कौनो बेइज्जती न होई, मेहनत और ईमानदारी से जवन काम करल जाले ना उमें कौनो बेइज्जती न होला। पांडे के फैसला बा, टैक्सी चले बा
अरे यार मच्छर बाप की फैसला बा का? कि ड्राइवर बन के टैक्सी चलावे के पड़ी। अच्छा ये मान तो करता है कुर्सी चिच्चा के चिच्चा ना मर्दे चिच्चा बारे। हाँ। हाँ। अरे पूरे गांव के लइकन के उंगली ची चुंगली करत रहला। हाँ। ए राजा तू टैक्सी ले ले बा तो तोरो टैक्सी में वो राजा हिंदुस्तानी के जैसन एगो हीरोइन बैठी। अच्छा और गाई का गाई का गाई हो मोछड़ बाप के बापूजी का यान की पोता जी गाड़ी मत चलाओ तब न मरे राजा बेटा गुड चिंटू पांडे जी अगले चुगले करे ये भुट्टन मिया जी चुची जी चुगली करे ना चाबी देबे एलवानी चाबी देबे। अच्छा हम तोहरा सारा लोग के भला चाहिला। अच्छा हम तो इहे चाहिला कि गांव के जितना लड़का बा सब अपना पैर पर खड़ा हो के खड़ा तो बानी जा अरे अपना से कमा दूगो पैसा परिवार चलाबो से हमरा कहे के मतलब हमरा का। हां 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 बेटा हां देखो तोहरा ला एक सर्वधम माला हम लेनी है ले एकरा पहना आबो ये हमेशा तोरा महफूज रखी बेटा नया काम शुरू करे जे जा रहल बा इ तोरा बरकत होई हर कदम पर इ तोरा साथ दी। ठीक है बेटा ठीक बच्चा चा कभी मिलने तो आओ सावन की नशीली जी राजा ब्रेक ऐसन लगाई लो कि माटी कोड़ा गई प्यार के न्योता देता नहीं हमार देवता बन जा उठ सुहागरात मनाइबा तब पूरा इंटरफेयर करब टिकोरा के उम्र से आम तक ले नेवता देता रू लेकिन हमार कबो किक ना लागल चौना दिन किक लाग गई जिंदगी भर खातिर फिक्स देवता बन जाए। अरे अब बतावा किक लागल कि ना हाई सब हरकत कैला से कुछ औरे जागेला बाकी किक ना लागेला और पीछा गेल छोड़ दे ना तो चेहरा फीका लागे लागी मजबूरी में सेकंड हैंड मर्द से ब्याह करे के पड़ी मर्द तू ही बनबा चाहे कितनों बेशरम बने के पड़ी आज ससुर हम कुछ बोलवे ना करे दिमाग खराब करके धे देले बियाह पूरा दिन मौन व्रत रहा ए टैक्सी वाले भाई पठान होटल चलोगे पैसे कितने सिर्फ 400 रुपए दूंगा ओके चलो ए गुंगा गाना बंद कर अस्सलाम वालेकुम भाईजान वालेकुम अस्सलाम हिंदुस्तान पहुंच गए हिंदुस्तानी बंदों से कह दीजिए इशारों इशारों में साथ दे कल जो बम का धमाका हिंदुस्तान में होगा बहुत जल्द मरने वालों की चीखें पूरे पाकिस्तान में सुनाई देंगी भाईजान पूरे पाकिस्तान में चीख का बेसब्री से इंतजार रहेगा आदाब भाईजान ये तो सब सुन रहा है गूंगा है बोल नहीं सकता इशारे से बता दो सकता है इशारे से समझने वाले खाने वाले और पीने वाले भाईजान के इशारे पे नचनिए की तरह नाचते ए गाड़ी चला कितना हुआ रख ले टिप समझ के
रख ले यूसुफ, हिंदुस्तानी डरपोक और ईमानदार भी होते हैं। चलिए भाईजान। अब वर्दी पहरे है तो इतना ईमानदारी तो निभाई भाई करेंगे है? अरे सर, माल आपका खा रहे हैं तो वफादारी कहाँ दिखाएंगे है? शुक्रिया। सुनिए ना सर, मैसेज का नंबर भिजवा दिए हैं, उनके अकाउंट में पैसा डलवाइएगा। इतना पैसा हमारे अकाउंट में डलेगा तो इनकम टैक्स वाला छापा मार देगा। जी चलिए, धन्यवाद। एसपी साहब कहाँ बड़े? इतना बड़ा खड़े है दिखाई नहीं दे रहा है। एसपी विशाल वर्मा है? अब खड़े का हो, बोलो, मुंह तो खोलो। पहले अपने के जॉन खुला ला उतार बंद करें। कौन? पैंट के चेन। अरे कहाँ से खुल गई? तू लोग गधा, इतना देर से सिनेमा देख रहा है? तो बोलिए। एसपी साहब, कुछ पाकिस्तानी जासूस कोनो प्लान के साथ आके एक होटल में रुकल, ओकने के पकड़ के ऐसा दफा लगा के डंडा करी कि कौनो पाकिस्तानी हिंदुस्तानी के नाम सुन के बारह महीना ठंडा रहे। बिया हो गया है ना, तो काहे बिना मजा लिए मरना चाहते हो? इस सब लफड़े में पड़ोगे ना, पूरा जिंदगी जेल में सड़ोगे, कोई छुड़ाने नहीं आएगा। भारत माई की रक्षा करने वाला बोली ना, पाकिस्तानी मदर जात के भड़वागिरी करने वाला बोली बोलता नहीं। एसपी साहब, जेल में सड़े वाला नौजवान ना, बल्कि रेल के ओकरे घर में ठेल के छाती में तिरंगा गाड़ के तिरंगा लहरावे वाला राजा उर्फ चिंटू पांडे टैक्सी ड्राइवर है। तो ड्राइवर साहब, आप जैसे नौजवानों के लिए ही हमने एक कविता लिखी है। हाँ सुनिए, कि अगर कहने से ही करना हो जाता, कहने से ही करना हो जाता तो करने की जरूरत न पड़ती। अब बाबा कौन बोलेगा भाई? कहने से ही अगर करना हो जाता तो करने की जरूरत न पड़ती, मेहनत कशी कहीं मुंह छुपा लेती और सिर्फ अल्फाजों की महफिल सस्ती। मेहनत कशी कहीं मुंह छुपा लेती और सिर्फ अल्फाजों की महफिल सस्ती, महफिल सस्ती अल्फाजों की, और जुबा से ही काम चलाते और शब्द ही जाते आसमां में, चांद को कैद करके ले आते। सुनो, दूसरे के फटा में टांग मत अड़ाओ। बहुत अच्छा, हम जैसे नौजवानों की तरफ से आप जैसे लोगों के लिए कविता है, सुनाए? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मन करता है फूल चढ़ा दूं लोकतंत्र की अर्थी पर, भारत के बेटे निर्वासित हैं अपनी ही धरती पर, वो घाटी से खेल रहे हैं तुम जैसों के बलबूते पर, जिनकी नाक टिकी रहती है पाकिस्तानी जूतों पर। अब केवल आवश्यकता है हिम्मत की, खुददारी की, सरकार मोहलत दे दे केवल दो दिन की तैयारी की, आवाम को आदेश थमा दो घाटी गैर नहीं होगी, जहाँ तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। कवि सम्मेलन हो रहा है काजी, ताली बजा रहे हैं। ऐसा है बड़े जी, कि आपने हमको खबर दे दी, आपका काम खत्म, अब कानून अपना काम करेगा। हमें कानून मत सिखाइए। एसपी साहब नहीं सुनेंगे तो कमिश्नर साहब तो सुनवाई करेंगे। धमकी दे रहे हैं है? कमिश्नर साहब का नंबर नहीं हो तो हम दे आपको, कहां तक जाइएगा? पूरा सिस्टम जुड़ा हुआ है आपस में, कौनो फायदा नहीं, कमिश्नर साहब के पास जाएंगे। Cheers! रईस, हम लोगों पे किसी को शक तो नहीं है? रईस भाई के होते हुए आपको कोई तकलीफ हो ही नहीं सकता, और पैसा लिया हूं, ईमानदारी तो दिखानी ही पड़ेगी ना। रईस अपनी मस्ती में आग लगे बस्ती में। सीएम के कुर्सी के नीचे बम लगा दिया है, और जैसे ही प्रोग्राम के बाद सीएम कुर्सी पे बैठेगा, बम वैसे ही फटेगा, और बम फटने से केवल सीएम ही नहीं, दूर दूर के लोग मरेंगे। जितने हिंदुस्तानी काफिर यहाँ मरेंगे, उतने लाखों लाख हमें हमारे पाकिस्तान में मिलेंगे। लाख मिलने से ज्यादा हिंदुस्तानियों को खाक में मिलते देख के खुशी होगी। क्यों बे गूंगे, अपने 100 रुपए लेने आया क्या? लेने के लिए नहीं, भोजपुरिया पटकन देने के लिए आया।
हम गोलियों के बादशाह हैं। हमें कभी बंदूक मत दिखाना। अगर ट्रिगर दबाओगे तो गोली बाहर आकर बोलेगी। पाए लागू चिंटू साहब, बोलने से पहले तू मुंह खोल दे। किसको मारने आया है? अगर मुंह नहीं खोला तो इतना ठोकूंगा कि पैजामा तेरा होगा, मुंह तेरे के लिए नारा तेरा बाप खोलेगा। अगर नहीं बोला तो हिंदुस्तान मेरा झंडा पाकिस्तान का होगा, और अगर मुंह खोल दिया तो बहन मेरी होगी, कमरा भी पाकिस्तानी होगा, लेकिन मर्द हिंदुस्तानी होगा। हिंदुस्तानी है ना? तेरे जैसे लोग रहते तो है हिंदुस्तान में, लेकिन सोचते हैं पाकिस्तान के बारे में। तेरे जैसों को ना जलाना चाहिए, ना दफनाना चाहिए, बल्कि बम्बू डाल के बीच चौराहे पर लटका देना चाहिए, ताकि चील कौवे नोच नोच कर ये एहसास दिलाते रहें कि वतन से गद्दारी का क्या नतीजा होता है। मुखोल वरना ट्रिगर दबते ही होल हो जाएगा। तेरी ही औलाद तुझे अब्बू जान नहीं अम्मी जान के बुलाएंगे। बोल। बहुत जल्द सीएम का भाषण शुरू होने वाला है। भाषण खत्म होते ही सीएम कुर्सी पे बैठेगा। कुर्सी पे बैठते ही कुर्सी में बम लगा हुआ है। उसके बाद सब मौत की गोद में समा जाएंगे।